वेलकम बैक टू माय चैनल फान विद कुकिंग। आज मैं मेथी रोटी बनाती हूँ। सर्दियों में मेथी अवेलेबल होती है और मेथी का रोटी बहुत ही हेल्दी होती है। स्पेशली बच्चे मेथी थोड़ा सा कड़वा होने के कारण मेथी खाना नहीं चाहते, जिसको रोटी या परोठा या थेपला के साथ बना के हम बच्चे को आराम से खिला सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने का रिक्वेस्ट रहा। मैं यह मुट्ठी भर मेथी का पत्ता ले लिया, अच्छी तरह से साफ कर लिया, इसका जो हार्ड स्टेम होता है उसको निकाल दिया। एक छोटा कंटेनर में थोड़ा सा पानी ले लिया और मेथी के पत्ता को डाल देती हूँ मैं इसी में। आप चाहो तो इस काम को कुकर में भी कर सकते हो, पर मेथी पत्ता बहुत ही जल्दी नरम हो जाता है, इसलिए कुकर यूज करने का जरूरत नहीं है। कवर कर देती हूँ और मीडियम फ्लेम में इसे 2-3 मिनट बॉयल होने देती हूँ। 2-3 मिनट हो गया है, एक बार चेक कर लेती हूँ। हाँ, मेथी बिल्कुल कुक हो गया है। गैस बंद करके इसे ठंडा होने देती हूँ। मेथी का पत्ता बिल्कुल ठंडा हो गया है, पानी से इसको अलग कर लिया। एक्स्ट्रा पानी जो था उस पानी को मैंने फेंका नहीं, दाल में यूज हो जाएगा वो पानी। अब पत्ते को एक ट्रे में ले लेती हूँ। थोड़ा सा अजवाइन डाल दिया, आप चाहो तो थोड़ा सा नमक डाल सकते हो अगर रोटी में आप नमक खाते हो तो। अब इसमें आटा डाल लेती हूँ। अब ये सारे चीजों को पहले मिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो पानी ऐड करूंगी। मेथी के पत्ता को मिक्सर में ग्राइंड करके बिल्कुल पेस्ट नहीं करना है, उससे टेक्सचर अच्छा नहीं आती है। इस तरह से हाथ से मैश करके, जितना ये मैश होगा उसी से रोटी परोठा या थेपला जो भी बनाओ, हाथ से मैश करके बनाने से अच्छा होता है। अब थोड़ा करके मैं पानी ऐड करती हूँ और नॉर्मल जैसे रोटी बनाने का आटा गूंथा जाता है, ऐसे एक सॉफ्ट आटा मैं तैयार कर लेती हूँ। एक सॉफ्ट डो बना के मैं तैयार कर लिया, इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देती हूँ। उसके बाद लोइया बना के रोटी बनाती हूँ। 10-15 मिनट हो गया है, अब लोइया बना लेती हूँ। लोइया आप अपने हिसाब से बनाइएगा, जिस साइज का रोटी आप घर में खाते हो। तो सारे लोइया मैं बना लेती हूँ। अब सूखी आटा का हेल्प लेके मैं रोटियाँ बेल लेती हूँ। रोटी का साइज थिकनेस आपके घर के अनुसार होगा ऑब्वियसली। तो एक रोटी मेरा बेल के तैयार हो गया है, बाकी भी इस तरह से बेल लेती हूँ। तवा भी गर्म हो गया है, एक रोटी डाल देती हूँ, एक साइड सेकने देती हूँ। एक साइड हो गया है, दूसरे साइड भी टर्न कर देती हूँ। रोटी को और एक बार टर्न कर दिया। अब गैस का फ्लेम को हाई कर देती हूँ और रोटी को डायरेक्ट फ्लेम में सेक लेती हूँ। ये बन गया मेरा मेथी का बिल्कुल फूली फूली रोटी। बाकी भी इसी तरह से मैं सेक लेती हूँ। हेल्दी मेथी रोटी बनके तैयार है। दही, सब्जी, अचार किसी के साथ भी आप इसको खा सकते हो। लंच, डिनर, जैसे मर्जी आप इसे खा सकते हो, बहुत ही हेल्दी होती है। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फ्रेंड वीडियो देखने के लिए। आज यहाँ तक ही, मिलते हैं कोई और एक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।